हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका त्यागी। आज दोस्तों मैं बथुए का रायता बनाने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बथुआ लिया है, इसको मैं अच्छे से साफ कर लिया है। अब मैं इसको कट करूँगी। इसको हमें मोटा मोटा काट लेना है, इस तरह से। इसको कट करके मैं इसको अच्छे से साफ पानी में धो लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको धो लिया है और मैं इसको अब कुकर में डालकर एक सीटी लगा लूँगी। रायता बनाने के लिए दोस्तों मैंने एक मिक्सी जार लिया है। ये मैंने दही जमाई थी, मैं इसका मट्ठा तैयार कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, दही से मैंने मट्ठा तैयार कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बथुआ अच्छे से ये गल चुका है। अब मैं इसको भी पीस लूँगी मिक्सी जार में डालकर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस बथुए को भी मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होकर मट्ठे में मिक्स करूँगी। ये देखिए, मैंने इसमें मट्ठे में इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। ये फ्रेंड, मैंने काला नमक लिया है, स्वाद अनुसार नमक लेंगे। ये आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर और हींग पाउडर को भून लिया है। इसको मिक्स करेंगे। मैंने एक चमचा लिया है, मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ये दोस्तों मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैं सरसों के दाने डाल दूंगी। ये फ्रेंड सरसों के दाने हैं, इसको मैं ऑयल में डाल के गैस पे भून लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सरसों के दाने चटकने लगे हैं। मैं इनको ब्लैक कलर के कर लूंगी। इस तरह से मैं इसे ऊपर से ढक दूंगी, ताकि हमारे सरसों के दाने इधर उधर ना जाएं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दाने भूनकर तैयार है। अब मैं इस एक प्लेट ले लूंगी, इसमें डाल के इसको ढक दूंगी और इसे हमें 2 मिनट के लिए ढक के रहने देना है, ताकि ये धुआं अंदर ही मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये रायता एकदम तैयार है, बनकर रेडी है। आप इसको जरा